अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दर्जा हरारत 45 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। इस बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र हमने सोचा कि आवाम को कुछ ऐसी चीज़ बताई जाए कि वो इस्तेमाल करें ताकि उनकी गर्मी की हरारत कम हो और उनके दिमाग को सुकून मिले। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं सरदाई बनाने वाली दुकान पर। ठीक है, हम आपको तरीका भी बताएँगे और यहाँ के ओनर से बात भी करवाएंगे कि कैसे बनाई जाती है, कैसे आप घर में अच्छी सरदाई बना सकते हैं। सबसे पहले आप चीज़ों का मनाजर जो है चीज़ें देखें कि कैसी खालिश चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। और अदनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई जान। क्या गर्मियों में सरदाई जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सुकून बख्शती है, ऐसी बात ही है? हाँ जी बिल्कुल है। ये वैसे ठंडी भी होती है? बिल्कुल सर ठंडी है। अच्छा, अगर घर में अच्छी सरदाई बनानी हो तो कैसे बनाते हैं, हमारी ऑडियंस को बताएं। पहले सर बादाम पाए जाते हैं। सबसे पहले बादाम डाल दें हमें? ठीक हो गया, प्योर बादाम बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद काली मिर्च। काली मिर्च डालनी है, ठीक हो गया। वाला चार मगज पाए जाते हैं। चार मगज का क्या फायदा है? चार मगज का फायदा है जोड़ों का दर्द खत्म होता है। ये मतलब ये सारी नेचुरल चीजें हैं जो अच्छा, पहले बादाम डाल दिया आपने, और कितने के डालने हैं? अगर मतलब एक जग बनाने लगे हैं आप तो कितने के डालने हैं? एक पार डालते हैं, एक जग बनाते हैं। और अब ये चार मगज डालने लगे हैं, दिखाएं क्या? बिल्कुल, ये चार मगज डाल दिए इन्होंने, पहले बादाम डाले थे, अब चार मगज डाल दिए इसमें। और अब ये डालने लगे हैं जीरा, पहले बादाम डाले थे फिर चार मगज और अब जीरा। ये भी है लाची। और अब लाची की बारी है। ये लाची जितनी मर्जी या हसबे जायका? हाँ हाँ हसबे जायका, ये ठीक हो गया। काली मिर्च होगी सर इसमें ऐड। नाज़रीन, ये हमने अब डाल दिए तमाम चीज़ें जो डलनी थी, इंग्रेडिएंट्स जितने भी डलने थे हमने डाल दिए। अभी हमें चला के दिखाएंगे कि ये कैसे इनको मिक्स करते हैं, इनको पाउडर बनाएंगे इन चीज़ों का। आई थिंक ये स्टार्ट हो रही है मशीन, मशीन का स्टार्ट होना देखें। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी लुक आती है। ये वैसे घरों में हम अक्सर देखते हैं, वो औरतें जो हैं वो बनाती हैं घरों में भी, मतलब अपने जोरे बाजू को आजमाती हैं और औरतें ख़ुद जो है वो इसको ग्राइंड करती हैं, क्रश करती हैं। और ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त तरीके से बड़ा पाउडर बन रहा है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया जाएगा तो तब ज़्यादा मज़ा आएगा पीने का। मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ज़्यादा प्योर हैं, इस वजह से जो टेस्ट आएगा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा खालिस और प्योर होगा। अदनान भाई बड़ी मेहनत से ये चीज़ें बना रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त हमने इनकी जो है क्वालिटी चेक की है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। और सबको रिकमेंड भी करेंगे कि इनके पास ज़रूर आएँ और पिए भी। ये बड़ी ना ज़बरदस्त बन रही है, और अभी ये पहले पीसेंगे इसको, पाउडर बनाएंगे इसका। बटर कमाल हो गया, देखें कैसे ज़बरदस्त बन गया। घरों में औरतें तो मेरे ख्याल से दूसरी वो क्या कहते हैं जी, वो उससे ना पंजाबी भी हम लोग कहते हैं चटुबटा टाइप। नहीं नहीं नहीं, वो चटुबटा छोटा होता है ना। नाजिन आप जो हैं वो अपनी ज़ुबान में इस तरह की जो कुंडी डंडा यानी कि चटुबटा भी हम पंजाबी में कहते हैं, चटुबटा मनानी। हाँ जी, आप अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आप अपनी ज़ुबान में इस तरह का जो मैनुअली काम होता है उसे क्या कहते हैं। और आप ये करते हैं या नहीं करते, इसको पसंद करते हैं पीना? जैसे कि वो जदीद दौर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आ गई हैं, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, हाँ जैसे लाइक दिस वो ब्लेंडर टाइप हो गया, उसमें अब ये ज़्यादा काम होता है। लेकिन फिर भी जो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ये वाली ये जो करते हैं ये तो प्रोफेशनलिज्म हो गया इनका काम। जो इसमें चीज़ बनती है वो वैसे थी ना बनती है, वैसे भी आप वो हाथ से तो नहीं ना बनती? हाँ जी, जो मैनुअली होती है वो सर कैसे होती है। भट साहब आप इसमें क्या तलाश कर रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं आप? यार मैं ना ये बहुत ज़्यादा देर लग रही है, मैं जल्दी से जल्दी बने और मैं पी आप। हाँ। सर इसके बाद आप इसको क्या करेंगे? खसखास इसमें डालेंगे। खसखास डालेंगे इसमें? इसमें खसखास डालेंगे, उसको भी मिक्स कर लेंगे। हाँ वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर तीन जग पानी के भरेंगे, ठीक है। वो बाटी में डाल देंगे, ठीक है। फिर उसमें तीन गिलास चीनी के डालेंगे। तीन गिलास चीनी? अच्छा, अगर इसको छोटे लेवल पे बनाना हो एक जग का बताएं आप, एक जग में ये चीज़ें कितनी कितनी पड़ेंगी? ये एक अगर थोड़े एक जग में बनाएं तो फिर एक पाव बादाम, एक पाव बादाम, एक शारक आज लाची आ जाएगी, एक काली मिर्च शारक, ठीक है। तो फिर एक चार मगज पा, सही है। अच्छा अगर आप ये बताना चाहें कि अगर मज़ा आए इसको पीने का तो फिर मतलब क्या करना चाहिए? कोई ये तो चीज़ें हमने देख ली हैं, इनको सिंपल आपने मिक्स करना है, चीनी डाल दी बस बन गई, यही है ना? यही है। अच्छा मज़ा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मज़ा बनाने के लिए सर इस तरह है कि बादाम को थोड़ा सा पीसो, ज़्यादा पीसो। हाँ जी, बादाम पीसोगे फिर गिलास में डाल दो। नाज़रीन उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज़ वाजिया करके बताइए, अब हम टेस्ट चेक करेंगे और बताएंगे आपको कि टेस्ट कैसा है। ये डाल दी इन्होंने रूह अफजा, क्योंकि रूह अफजा के बगैर तो वाकई ना रमज़ान का मज़ा और ना ज़िंदगी का। इससे रूह जो है ना वो अफजा हो जाती है भाई साहब। इससे रूह को क्या मिलता है भाई साहब? सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। भाई साहब ने भी कह दिया, तस्दीक कर दिया हमारी। तो ये कच्ची वालों ने नाम मेरा अब इसी वजह से रखा होगा, रूह को अफजा मिलता है। ये इन्होंने डाला है अंदर दूध,
दूध डालना जो है ना वो बहुत जरूरी है। नीडो वाला या दूसरा भाई? ये खुद 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 चौक लेके है। कौन सा भाई डब्बे वाला, कौन सा ब्रांड यूज करते हैं आप? इसका कलर देखें आप, मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा आपको। डब्बे वाला भाई कौन सा इस्तेमाल करते हैं? किसको, नीडो? एवरीडे इस्तेमाल करते हैं, हर दिन प्योर दूध इस्तेमाल। कोई नहीं अभी तक। ये हम अदनान भाई की शॉप पे हैं, ये डेरा खाजी खान से इनका ताल्लुक है और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी भी की और हमें बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने सरदाई पिलाई है। पूरा माहौल ज़बरदस्त A1। साहब भाई कैसा लगा आपको? सारे देखो मुछा बन गई है, पीन के नाल मुछा बन गई है, कमाल हो गया A1। साहब आपको कैसा लगा? यार बड़ा मजे का यार। आपके जो कस्टमर आते हैं कितना दूध दिन का इस्तेमाल करते हैं आप? तकरीबन 10 किलो 15। ठीक हो गया। हाँ जी। मतलब काफ़ी काम चलता है आपका माशाल्लाह। बड़ा काम चलता है भाई। ठीक है, बाकी इनके जो जायका है वो बता रहा है। बाकी भट्ट साहब आपको बताएंगे कि उनको कैसा लगा। भट्ट साहब प्लीज़ तफसील से बताएं। यार दोस्तों मुझे तो बहुत मज़ा आया, तो आपका भी चक्कर। सर मैं आधा सगना किंज बने हैं, देखो तू ही वीडियो बनाओ, मैं आधा पी लिया, खत्म कर दिया इन्होंने बड़ी स्पीड से ख़त्म किया, क्योंकि बाकी मज़ा ही बहुत ज़्यादा। ख़त्म हो गया तो मुझे दुख होगा, इसलिए मैं बड़े आराम से पीऊँगा इसको। अगर आप इस रोड से गुजरे, कौन सा रोड है? कोटली द्वारा हवाला देंगे। ये वीडियो हमने देखी है आपकी, और मुझे ना उस्मान लोग आए थे आपके साथ, स्टूडियो जेड की टीम आई थी इनके पास। सर इसको जरूर लाइक करना भाई, ये आप सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो देखिए, मैंने नहीं जाना कोई, मैंने और भी नहीं है। ठीक है, इनको हम दोबारा पिलाते हैं और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में।